दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईओएस डीएलएड के क्लास सीरीज में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली 2, और उसके अंदर आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो ये दो शिक्षा नीति जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो हम देखेंगे। अगर आपने पहला का वीडियो नहीं देखा है इससे पहले का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पूरे सीरीज का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप जो भी वीडियो नहीं देखे हैं यहाँ से देख सकते हैं। और आप यहाँ देख लीजिए कि नंबरिंग करके 1, 2, 3, 4 करके दिया हुआ है, तो जहाँ से भी आप नहीं देखे हैं या जहाँ से आपका पेंडिंग है वहाँ से आप आगे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई, तो उसमें आप देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के समिति और आयोगों ने शिक्षा के पुनर्निर्माण की समस्या का पुनरावलोकन किया। तो मतलब जो शिक्षा व्यवस्था पहले थी उसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए, किस तरीके से अच्छा किया जाए, उस पर जो है विचार विमर्श हुआ। इन आयोगों और समितियों के प्रतिवेदन के आधार पर समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। तो उसमें जो भी सुधार के लिए प्रतिवेदन आता था, तो समय समय पर उसके लिए जो है बनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो उसी क्रम में जो है इन नीतियों में शिक्षा के प्रत्येक स्तर, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर, शहरी व ग्रामीण भारत जो कि देश का मुख्य मुद्दा था, मतलब प्राथमिक शिक्षा सबको कम से कम मिले, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा गया, क्योंकि उसके बाद लोगों को इतनी समझ हो जाती थी कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन अगर प्राथमिक शिक्षा ही अच्छे से नहीं होगी तो फिर वहां से जड़ ही खराब हो जाएगा। तो उसे विशेष रूप से जो है उसको मुद्दा बनाया गया था। तो उसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो आई, उस नीति में क्या थी, इसका जो पॉइंट होगा वो जरूर आप नोट कर लें अभी पढ़ते समय ही। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1964 से 66 की संस्तुतियों पर आधारित थी, ये जो 1968 की शिक्षा नीति थी वो 64 से 66 के बीच जो संस्तुतियां थी उस पर आधारित थी। इसकी घोषणा 1968 में हुई थी। और राष्ट्रीय एकता के बृहद सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आमूलचूल पुनर्रचना, ये नाम है, आमूलचूल पुनर्रचना और समान शैक्षिक अवसरों की आवश्यकता को महसूस किया गया। तो उस जो 1968 में जो शिक्षा नीति आई उसमें राष्ट्रीय एकता और बृहद सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास की, मतलब जो कल्चरल विकास है वो हो, और जो आर्थिक विकास है इकोनॉमिकल, उसमें किस तरीके से, मतलब शिक्षा नीति इस प्रकार से हो कि लोगों के सांस्कृतिक आर्थिक विकास हो और लोगों में एकता का भावना बढ़े, ये सब की जरूरत को महसूस किया गया। तो नीति ने शैक्षिक विकास का पथ तैयार किया, जिसका उद्देश्य 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को लक्ष्य पूर्ण करना था। इससे पहले हमने देखा था कि प्राथमिक स्तर पे जो पढ़ाई थी उसको निःशुल्क कर दी गई थी। तो यहां पर भी वो सारा पॉइंट है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। उसमें अगर मुख्य बिंदु आप देखें यहां पे, तो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, तो 1968 में जो ये नीति आई उसका पहला पॉइंट था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे को, और उसके बाद इसका गंभीर प्रयास किया जाए और विद्यालयों से विद्यमान अव्यय तथा गतिरोध को कम करना। तो विद्यालय में जो भी प्रकार का प्रॉब्लम होता था, जो भी प्रकार की परेशानी होती थी, उसको जांचा परखा गया और उसको कम करने की कोशिश की गई, और बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। और यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक बालक जो विद्यालय में प्रवेश करता है या प्रवेश पाता है, निर्धारित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करे। तो जो कोर्स है, जैसे कि एक क्लास फर्स्ट में है या सेकेंड में है, तो हर एक बच्चा उस कोर्स को पूरा करे। तो ये था पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि अध्यापकों की स्थिति, पारिश्रमिक तथा शिक्षा, कि अध्यापकों की वहाँ पे जो है किस प्रकार की स्थिति है, कि अध्यापकों को किस प्रकार की प्रतिष्ठा मिल रही है, और उनका उनको क्या वेतनमान मिल रहा है, वो संतोषजनक है या नहीं, और उनके द्वारा शिक्षा किस प्रकार की दी जा रही है, तो ये सब चीजों पर जो है ज्यादा बल दिया गया। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था भाषाओं का विकास। तो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, जैसे कि पहले शुरू हुआ था तो बस इंग्लिश था, जब अंग्रेज के जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात थी तो फिर वहां पे लोकल भाषा आया, तो अब जो था क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करने का इस पर जोर दिया गया, और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया गया। तो माध्यमिक स्तर पर बहुत सारा भाषा, जैसे त्रिभाषा, तीन भाषा हुआ, तो ये फॉर्मूला को जो है प्रभावी रूप से लाया गया कि तीन तरह के भाषा का फॉर्मूला यहाँ पे लागू हो। अगला है कि शैक्षिक अवसरों का समकरण। तो सामाजिक संबद्धता तथा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय रूप से लोग संबद्ध हो,
एक हो, इसको प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक अवसरों को सम करना, उस पर जोर देना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना, सभी विद्यालय में बच्चों के मेरिट के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित करना तथा समाज के सुधी वंचित वर्गों के हितों में संरक्षक लेना। तो कहीं ना कहीं था क्या कि जो प्राथमिक शिक्षा थी वो वहाँ के समाज के जो वहाँ की मानसिकता थी उस पर भी निर्भर करती थी, तो उसे भी सुधार करना और उसका एक समन्वय बनाना सबके बीच में, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। अगला मुद्दा है साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्रचारित करना। तो लोग जो निरक्षर थे उनको समाप्त करना, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मियों को कार्यात्मक साक्षरता तथा सतत शिक्षा प्रदान करना। तो जो लोग व्यवसाय में थे तो उनको उन किस तरीके की शिक्षा चाहिए वो प्रदान करें। माध्यमिक स्तर पर टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक यूज एजुकेशन यानी कि बिजनेस स्टडीज, इसको सही रूप से जो है दिया जाना। तो इसी को कहा गया कि साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्रचारित करना, कि मतलब जो बड़े भी हो गए हैं अगर उनमें साक्षरता की कमी है, शिक्षा की कमी है, जिसके कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसे भी विकसित करना। पुस्तकों का उत्पादन उसके बाद का टॉपिक है। तो बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त पुस्तकों का उत्पादन विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के लिए कम लागत की पुस्तकें, मतलब जो कोर्स की बुक्स थी उसे कम दामों में अच्छी बुक को उपलब्ध कराना। खेलकूद और क्रीड़ा, तो बच्चों में खेलने कूदने की और क्रिया कौशल बढ़ाने की जो है क्षमता बढ़े और उस पर जोर दिया जाए। अगला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है इसका कि अंशकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम। तो बच्चे तथा विद्यालय विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा कर्मियों के लिए व्यापक स्तर पर अंशकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम का विकास करना जो उसी स्तर के हों और पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ समय के लिए जो कहीं से कुछ एक जो जिसको आप ट्रेनिंग टाइप का बोल सकते हैं या कुछ ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिससे कि शिक्षक के साथ साथ जो है मतलब बच्चे के साथ साथ शिक्षक में भी जो है शिक्षा का व्यापक विकास हो और उसी स्तर से हो जिस मतलब जिस प्रकार से कि यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई उसको अच्छे तरीके से पालन किया जाए। तो लगभग 2 दशकों तक देश की शिक्षा को इस नीति से दिशा मिली, धीमी मिली परंतु निरंतर प्रगति हुई। तो ये जो शिक्षा थी इसमें थोड़ी धीमी प्रगति हुई लेकिन 2 दशक तक यानी कि 20 साल तक करीबन इसमें एक अच्छा विकास हुआ। सनय सनय जो है धीरे धीरे ही इसमें विकास हुआ लेकिन अच्छा विकास हुआ, जिससे बहुत सारे नवाचारी कार्यक्रम तथा मतलब नए कार्यक्रम और पद्धतियां आरंभ हुई और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में इसकी समीक्षा की गई। तो चूंकि स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था कि इसमें राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता पर जोर दिया गया था, समन्वय पर जोर दिया गया था, तो उस पर इसकी फिर बाद में समीक्षा की गई। अब आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो 1968 के बाद जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया तो इसमें क्या पे जोर दिया गया। तो दोस्तों अगर आप याद भी करना चाह रहे हैं ना तो ये क्या कहते हैं कंपैरिजन करके याद करें कि 1968 में क्या हुआ था, 1986 में क्या हुआ था, तो उस प्रकार से मतलब आप यहाँ पे जोर पाएंगे उस चीजों को। तो 68 में आपने देख लिया, अभी 86 में क्या है कि इसकी विशेषता जो है वो राष्ट्रीय एकता पर जोर तथा पाठ्यचर्या के 10 सार भाग तत्व हैं। तो एक तो राष्ट्रीय एकता जो पहले भी था वो इसमें भी है और पाठ्यचर्या के 10 सार भाग तत्व हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप पर आधारित होने के रूप में देखा जाता है। तो जो शिक्षा प्रणाली थी उसको राष्ट्र रूप पे मतलब उसका जो पाठ्यक्रम था, पाठ्यचर्या था, उसको राष्ट्रीय रूप से देखा जाए इसकी यहाँ पे बात की गई, जिसमें एक सामान्य सार तत्व तथा अन्य घटक हैं जो लचीले हैं। सामान्य सार तत्व के अंतर्गत भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व तथा अन्य विषय वस्तु जो राष्ट्रीय पहचान के घोतक हैं, ये तत्व सभी विषय क्षेत्रों में समाहित हैं तथा इस प्रकार अभिकल्पित किए गए हैं ताकि वे भारत की सर्वनिष्ठ सांस्कृतिक धरोहर, समतावादिता, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बाधाओं को हटाना, लघु परिवार मानकों का पालन, वैज्ञानिक अभिवृत्ति या प्रकृति आदि के मूल्यों को बढ़ावा दे। तो इतनी जो सारी बातें हुई तो ये पाठ्यक्रम ऐसा हो कि इतनी चीजों पहले पिछले वाले में आपने देखा कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, प्राथमिक स्तर पर विकास, ये बात हुई, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य फोकस दिया गया कि सांस्कृतिक धरोहर की भी रक्षा हो, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष के बारे में भी लोग जाने, और लिंग समानता जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग
पुरुष और स्त्री के बीच में डिफरेंस और जो उसमें एक भेदभाव किया जाता था उसमें भी वो पर्यावरण संरक्षण को भी लोग जाने। तो अब कहीं ना कहीं शिक्षा का जो विकास हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं हो रहा था, उसके अलावा जो व्यवहारिक चीजें थी उसे भी जोड़ा जा रहा था। तो आगे अगर इसमें देखें तो सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के समन रूप कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। तो जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम थे उसको धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के, मतलब कोई ये नहीं है कि ये इस धर्म का है या वो उस धर्म का है, उससे दूर होके उससे ऊपर उठ के जो है इसको कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और समानता को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक था कि सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं, मात्र पहुंच या अभिगम्यता की दृष्टि से नहीं कि इसका इतना पहुंच है इसको वो जानता है उस हिसाब से नहीं, या ये उस वंश का है या ये उस धर्म का है, इससे दूर हटके जो है सभी को समान अवसर दिया जाए। इसके अतिरिक्त सभी की अंतर्निहित समानता का बोध पाठचर्या के माध्यम से उत्पन्न किया जाए, जो कि अपेक्षित था। प्रयोजन था कि सामाजिक प्रवेश में, यह क्यों किया गया कि सामाजिक परिवेश के माध्यम से तथा जन्म के संयोग से संचारित उत्पन्न पूर्व ग्रहों तथा मनोग्रंथियों को दूर करना है, कि ये उस परिवार में जन्म लिया है, ये उस समाज में जन्म लिया है, ये उस वंश का है, उस चीज से लोग ऊपर उठें और सबको एक समान भाव से देखें, इसके लिए यह दिया गया। इसमें कुछ मुख्य लक्षण है जिसको आप समझ सकते हैं कि सामान्य शैक्षिक संरचना जो है, शैक्षिक संरचना एकदम सबके लिए सामान्य हो। 10 अभ्यंतर कोर जिसको बोलते हैं तत्वों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हो, और साथ ही साथ सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर हो। प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन मिले कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो उम्रदार लोग हैं, उनको भी शिक्षा, उनके लिए भी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीकरण विकास का उपयोग हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, मतलब ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई किया जाए। अधिगम के न्यूनतम स्तर मिले। गति निर्धारक नवोदय विद्यालय खुले। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो। अध्यापक की स्थिति को उभारना हो। सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तथा वातावरणीय मामलों में बोध उत्पन्न करना हो। और शिक्षा में उत्तरदायित्व लोग ले, इस चीज पे जोर दिया गया। तो इस नीति ने सार्वत्रिक प्रारंभिक शिक्षा को एक और मजबूत आधार प्रदान किया और बहुत सारे कार्यक्रम जो आरंभ किए गए थे राष्ट्रीय महत्व के थे, तो शीघ्र ही 1992 में नीतियों को संशोधित किया गया, जिसमें प्राप्त करने हेतु उच्च लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित किया गया। तो इसमें जो जो कमियां थी उसको फिर 1992 में किया गया, जो हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, जय हिंद।